Your search ends here. Attention buyers and investors, Team Sabharwal invite करता है आपको एक exclusive one day luxury bus tour के लिए जो हो रहा है Saturday March 23rd को. We will highlight some of the fantastic investment opportunities in the GTA with huge incentives and discounts never heard of. आज ही register करिए 647-655-0636 पर या visit करिए teamsabharwal.com. Space is limited, so act fast. Food will be served. PK Sabharwal will be your guide. Register today at 647-655-0636. जी मित्र भाइयों, ये हेड ऑफ वॉइस अनामिका और जतिन के संग, और जैसा कि आपको होता है इंतजार, टीम सबरवाल से सबरवाल साहब जुड़ चुके हैं रेडियो वॉइस के साथ. अभी अभी हमने नगमा बजाया था, तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है. बिंदर भाइयों, यही नगमा सबरवाल जी पर बहुत ही फिट होता है, क्योंकि हमारे श्रोता हमेशा कहते हैं सबरवाल जी आपसे मिलना बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है. सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में. जतिन भाई, गुड आफ्टरनून. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आके, पर बात ये है कि आप बहुत जल्दी 20-25 मिनट निकाल देते हो. ये मुझे शिकायत है, आप कभी कभी घड़ी रोक दिया करो. अनामिका जी भी कहते हैं कि सबरवाल जी से बात हो तब घड़ी रोक देनी चाहिए, क्योंकि उनको सुनने का बहुत मन करता है. घड़ी रोक दिया करो, क्योंकि लाइन लगी होती है और वो जवाब नहीं दे पाता मैं, मुझे दुख होता है. लेकिन चलो, जो है सो है, वो तो करना ही पड़ेगा जैसा है. क्यों जी, तो एक्सक्लूसिव माना जाता है ना, एक्सक्लूसिविटी आ जाती है जैसे ही टाइम आ जाता है और सवाल रह जाते हैं. अगले हफ्ते तक का जो इंतजार होता है ना, वो और वैल्यूएबल हो जाता है. हाँ, ये जो आप बात कर रही है ना, ये टाइम हटा दो बीच से. ठीक है, हटा देते हैं और बात पे आ जाते हैं. बड़ा अच्छा लगता है. नो, हाँ जी, हमारे श्रोताओं को कहेंगे 416-593-0055 है स्टूडियोज के नंबर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी सबरवाल जी से बात करने की. हाँ जी, अनामिका जी. हाँ जी, मैं कह रही थी कॉल्स तो आ भी चुके हैं, फिर कनेक्ट कर देते हैं विदाउट. बिल्कुल ले लेते हैं. हाँ जी, बिल्कुल कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं. वेलकम टू रेडियो वॉइस, कौन बात कर रहे हैं? जी सबरवाल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक है. बड़ी मुद्दत बार आवाज सुनी है, ये नूर साहब है शायद. हाँ जी, आप भी तो इधर उधर घूम रहे थे, कहीं चले गए थे. जी जी जी, क्या करें, वो भी बहुत जरूरी है जिंदगी में. अभी देखिए, ये इस वक्त जो है ना, सब लोग बीच में हैं. इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला भी है, नहीं भी बढ़ने वाला है. प्राइस जो जंप अप हो गई है रियल एस्टेट में, वो तो हो गई है और रिवर्स तो नहीं हो सकती. जो जहाँ पहुंच गई ना. अब आप जो रिवर्स होनी थी हो गई, रिवर्स तो हुई है, बहुत ज्यादा हुई है. रिवर्स थोड़ी बहुत नहीं हुई, पर अब उम्मीद कम है. अब बढ़ने की 0.4% बढ़ा है एक महीने के अंदर, आगे भी बढ़ने की उम्मीद है. जी नूर साहब, बताइए. मेरा सवाल ये था कि आपकी जो है निचोड़ आपके तजर्बे का, कि इस टाइप के टाइम में क्या एक्शन होना चाहिए, बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं इसका पहले जवाब दे दूं आपको. इसका जवाब पहले दे दूं. इसका जवाब मैंने मेरे जो कुछ आर्टिकल्स है उसमें एक लिखा हुआ है, नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट एंड वेट. आपका कोई टाइम खराब नहीं कर, या तो ना लिखा हो कि 26 जनवरी वाले दिन प्राइस घटने शुरू हो जाएंगे तो आप वेट कर लो, कोई डेट तो ना फिक्स्ड है. नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट एंड वेट. इससे रिलेटेड आप, मेरा सवाल है, वो पता है मुझे आपका जो एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है कि बाय रियल एस्टेट एंड वेट, डोंट वेट, और इस तरह जो है आपका. जी, जी, जी. अभी अगर अभी जो बिल्डर्स बैक वो मॉर्गेज है, बिल्डर्स मॉर्गेज दे रहा है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, आप क्या कहते हैं? जरा क्लॉज ध्यान से पढ़ लीजिए मेरे भाई, लॉयर को दिखा दीजिए. ये ना हो कि 2 साल के बाद घर वापिस चला जाए. भाई साहब, बिल्डर भी तो आपकी हिस्ट्री, आपका क्रेडिट, आपकी इनकम देखने के बाद देगा. आप क्लॉज जरा ध्यान से पढ़िए, वो जरूर मॉर्गेज देगा सब्जेक्ट टू द अप्रूवल. पढ़ लीजिए ध्यान से, मेरे सामने बहुत एग्रीमेंट आए हैं और मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल. और अगर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल है तो फिर लेंडर से क्यों नहीं ले लेते? दूसरी बात यह है, यस, एक हमारे पास भी ऑफर आई है कि 2 साल तक आपकी मॉर्गेज बिल्डर देगा. 2 साल तक आपकी मॉर्गेज बिल्डर देगा, बिल्डर मॉर्गेज नहीं देगा. वर्ड को समझिए, आपकी मॉर्गेज बिल्डर देगा, ना कि बिल्डर आपकी मॉर्गेज देगा. यानी कि अगर आपने बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल से या टीडी बैंक से या स्कॉशिया बैंक से आपने मॉर्गेज लिया है 80%, वो मॉर्गेज का अमाउंट 2 साल के लिए बिल्डर देगा. इसका मतलब क्या हुआ, आपने पहले वो मॉर्गेज लेनी है. राइट सर? जी
जी जतिन भाई, बहुत खूब बहुत खूब बहुत बहुत शुक्रिया बहेंद्र भाई। हम चलेंगे हमारे श्रोता की और लेंगे उनका कॉल, लेकिन उससे पहले रियल एस्टेट अपडेट आपकी नजर में सबरवाल जी हमारे श्रोताओं को सबसे पहले बताएं। देखिए, जैसे अभी नूर साहब ने कहा ना, तो उसी की बात कर वो याद आ गया कि फरवरी में देखो, तो दिसंबर और जनवरी में रियल एस्टेट सेल बढ़ गई थी अचानक। आपको हमने पिछले शो में भी कहा था, जो अब रिपोर्ट आई है फरवरी में फिर कम हो गई। जो दिसंबर जनवरी में आया था उछाल थोड़ा, अब फरवरी में फिर नीचे आ गया। और कई इकोनॉमिस्ट इसके बारे में अपने व्यू दे रहे हैं, जैसे मेन जो था इसके अंदर आरबीसी के रॉबर्ट होक साहब, जिनको मैं फॉलो करता हूं, और वो उन्होंने ये कहा है कि ये चीज ऊपर नीचे चलती रहेगी जब तक इंटरेस्ट रेट मोर मीनिंगफुल एक लेवल में नहीं आ जाता। अच्छा। मोर मीनिंगफुल लेवल का मतलब है कि जब तक ये घट के दो तीन बार घटता नहीं है, ये रियल स्टेट उबड़ खाबड़ रस्ते से चलती रहेगी। और मैं पूरा इससे सहमत हूँ, और मुझे लगता है वो जैसे बेंजामिन ताल साहब ने कहा, मैं क्योंकि मैं खुद टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं इन पढ़े लिखों के पीछे पीछे चलता हूँ। तो ये जो हमारे बेंजामिन ताल साहब हैं, इनसे मेरी कई बार मुलाकात भी होती है, मैं स्पेशली इनको पकड़ लेता हूँ कई बार। इनका ये विचार है कि पांच जो मर्जी इन्होंने मार्च में मकलन साहब ने विचार दिए जो कि इतने अच्छे नहीं थे, ये फिर भी मान रहे हैं कि 5 जून को उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा। और वही चीज सोचते हुए मुझे लगता है कि इस साल 3-4% रियल एस्टेट के प्राइस में जंप होना चाहिए। बहुत खूब। तो बेंद्र भाइयो, आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 416-593-0055। सबरवाल जी, आप जो बस ट्रिप करने वाले हैं, इसके बारे में भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, प्लीज इसकी हाइलाइट्स हमें जरूर दीजिएगा। इसी बारे में मैं भी पूछने वाली थी कि क्या क्या हमारे लिसनर्स को खास मिलने वाला है। आप तो होंगे सबसे बड़ी खास बात और क्या क्या होगा सर इस पूरे ट्रिप में? ऐसे है कि ये जो है, पहली बात बता दूं, मुझे कम से कम 200 ज्यादा ही होगा शायद रजिस्ट्रेशन के लिए आई, और बस के अंदर जगह है 50। ठीक है, चलो एक ही जगह दो बस कर लेंगे, अगले दिन फिर कर लेंगे या नेक्स्ट वीक फिर कर लेंगे, डजंट मैटर। लेकिन उसमें कई लोग ऐसे थे जो साइट सीइंग के लिए उन्होंने रजिस्टर किया, हम साइट सीइंग हम भी करना चाहता है। भाई साइट सीइंग नहीं है ये, मैं भी बिजनेस मैन हूँ, इट इज फॉर द इन्वेस्टर्स, इट इज फॉर द बायर्स, नॉट ए साइट सीइंग। अगर आप साइट सीइंग कहते हैं तो मैं स्पेशली 2-4 बस एक दिन कर लूंगा और सबको साइट सीइंग ले चलूंगा, वो अलग बात है। पर ये साइट सीइंग के लिए नहीं है, ये मैंने बिल्डरों को कमिट करवाया हुआ है, बिल्डर्स भी इंतजार करेंगे उनके सेल्स सेंटर्स के ऊपर। उस दिन हम बिल्डिंगें दिखाएंगे 7, 8, 9, 10 अलग अलग बिल्डर्स के इंसेंटिव बताएंगे आपको, जबरदस्त आपको ऐसे डिस्काउंट दिलवाएंगे जो कि आपने सोचे ही नहीं होंगे। जो भी आपको प्राइस लिस्ट जो भी दे रहा है, जो भी डिस्काउंट के साथ दे रहा है, हम उसको बुरी तरह बीट करेंगे उस दिन। ये मैंने अपने बिकॉज ऑफ माई वॉल्यूम मैंने स्पेशल नेगोशिएट कई बिल्डरों से किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डर, अभी जैसे नूर साहब ने कहा, एक बिल्डर दे रहा है 2 साल के लिए मॉर्गेज, मैं उसको भी बीट कर दूंगा। कोई बिल्डर दे रहा है 1 लाख डॉलर, मैं उसको भी बीट कर दूंगा। वट एवर, कोई बिल्डर दे रहा है आपको $2,000 पर मंथ रेंटल टॉपअप, मैं उसको भी बीट कर दूंगा। मतलब जो भी आपको आपस प्राइस लिस्ट कहीं से भी आई है, आई विल बीट ऑल। ये सरप्राइज है। पिछले हफ्ते भी मेरी कई मीटिंग्स हुई, जब उनको बताया तो कई लोग लेके गए और हैरान हो गए, कहते हैं हम ये सोच के आए नहीं थे। तो इसीलिए ये साइट सीइंग नहीं है, ये जेन्युइन बाइंग है। इसीलिए मेरे ऑफिस से इन सबको फोन आ रहा है और आपसे कुछ डिस्कस किया जा रहा है और हम नोट्स बनाते हैं, उसके बाद हम आपको इनवाइट करेंगे फॉर 23rd of March 23 मार्च को 11 बजे ये ट्रिप बस का लग्जरी बस होगी, खाना पीना चलता रहेगा और मैं गाइड आपके साथ 6-7 घंटे बोलता रहूंगा और ये आपके क्वेश्चन आंसर भी लूंगा उसके अंदर मैं। और ये 11 बजे मिस आकर चलेगा, लगभग शाम के 5-6 बजे तक सैटरडे को होगा। और जैसे स्क्रीन करने के बाद हमारे पास और लोग बच जाते हैं तो हम एक और बस करेंगे उसके बाद। इसी के साथ हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आपके लिए कोई सवाल लेकर आए हैं, लेट्स कनेक्ट विद हिम। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस। नमस्ते पीके सर। नमस्ते सर। सर आपको आवाज सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है, 2 साल हो गया। आई हैव नेवर मिस्ड योर शो एवरी वेडनेसडे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरा एक सवाल है सर, आप शायद अफगानिस्तान से है ना? नहीं सर, मैं एक टिबेटियन हूँ सर, हिंदुस्तान से आया सर। हाँ जी, मैं आई एम अ टिबेटियन रिफ्यूजी फ्रॉम, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, तो आई केम टू कनाडा 10 years ago। अच्छा, क्योंकि आपकी एक्सेंट ऐसी अफगानी लग रही थी थोड़ी सी मेरे को। जी मैं सर अभी यहाँ में हिंदी बात करने नहीं मिलता, लेकिन सुनने को ज्यादातर मिलता है, अभी पूरा खिचड़ी हो गया सर। अच्छा अच्छा, बताइए बताइए सर, बताइए। तो मेरा एक सवाल है सर, अगर मिसिसागा में 1.2 मिलियन का हाउस लेगा तो उसका प्रोविंशियल और म्युनिसिपल टैक्स कितना कितना होगा सर, कितना देना पड़ेगा? देखिए आप
क्लोजिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मिसिसॉगा 1.2 मिलियन का, ये प्रोविंस और म्युनिसिपल का टैक्स। मैं समझ गया, मैं ऑन एन एवरेज आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट तक कैलकुलेशन होती है, क्योंकि 5 लाख तक अलग है, उसके बाद 1 मिलियन तक अलग है, 1 मिलियन के बाद अलग है। 1.2 की क्लोजिंग कॉस्ट जो आपको आनी चाहिए इंक्लूडिंग लैंड ट्रांसफर टैक्स, यू शुड बी टॉकिंग अबाउट समथिंग बिटवीन अराउंड $30,000। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की और, लेकिन उससे पहले सबरवाल जी, कल एक रिपोर्ट आई थी कि रेंट टोरंटो में जीटीए में बहुत ही बढ़ रहे हैं, तो कई लोग सोचते होंगे कि रेंट 2,000-2,500 रेंट दे, उससे बेहतर है क्यों ना कॉन्डो में इन्वेस्ट कर ले, या अपने लिए रहने के लिए कॉन्डो या रीसेल प्रॉपर्टी ले ले। आप क्या एडवाइस करेंगे जो लोग पहली बार अपना घर खरीदना चाहते हैं और रेंट पर रहते हैं? सर, अगर वो ले सकते हैं, मैं तो यहाँ तक बोलने को तैयार हूँ, चाहे बुरा मान ले मेरी बात का, अगर वो 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में या घर में रह रहे हैं और अपना घर उनका सिर्फ 1 बेडरूम का खरीद सकते हैं, घुस जाओ एक कमरे के अंदर, वो घर आपको घर बना के देगा। लेकिन अगर आप 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में जा रहे हो और कहते हो जी हमें 1 बेडरूम हमें सूट नहीं करता, अगर एक छोटे से बच्चे के साथ सूट नहीं करता, तो आपकी गलतफहमी है ये। 3 कमरे का किराए पे अगर ले रखा है आपने, तो 2 कमरे के घर में चले जाओ, छोटे से घर में चले जाओ, वो छोटा सा घर आपका महल होगा, ताजमहल होगा, वही आपके अंदर जाने का जो पॉजिटिवनेस आएगी, जो आपके अंदर एक आपका जो है पूरा पॉजिटिव जोश, एक वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसकी बात ही कुछ अलग है, खाने खाने का स्वाद ही कुछ अलग हो जाएगा। ऑन ए लाइटर साइड, अगर बीवी खाना अच्छा भी नहीं बना रही ना, वो भी बड़ा स्वादी लगेगा। सही कहा आपने, बहुत सही। तो वो अपना बैठ के घर के अंदर चौकड़ी मार के जमीन में जो 2 रोटी खाने का मजा है ना, महल के अंदर रात को उठ के भागने वाली बात है, वो तो खैर पछता ही नहीं है। चलिए कॉलर के साथ भी जुड़ते हैं कि वो महल ले रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस। ओके, आप सुन रहे हैं, आपकी पूरी बातें सुनी जा रही है यहाँ पे। तो इसी के अराउंड मैं भी जानना चाह रही थी कि अगर हम, जैसे आप बता रहे थे कि आप शिफ्ट हो जाएं, अगर आप चाहे 1 रूम लेना चाह रहे हैं तभी आप शिफ्ट हो जाएं, बट स्टिल काफ़ी कन्फ्यूजन होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी हूँ, मैं भी सोचती हूँ कि कर लेते हैं पर हम नहीं करते हैं, और जैसे हो सके तो जरूर करवाना हमें बेटा, एक बार मिल लो आप भी, मतलब देखो ये जरूरी नहीं है कि आप ले पाओगे, पर डिस्कस करने में क्या हर्ज है। करेक्ट करेक्ट, तो वही लगता है ना, अभी सब कहते हैं बढ़ जाएगा, तो अभी आगे आने वाले वक्त का एक प्रिडिक्शन अगर हम देखें तो ये चीजें जो रेंट है या फिर जो होम के लेके इंटरेस्ट है, क्या वो इंक्रीज ही होते रहेगा, पीछे तो नहीं जा सकते, ऐसा भी है? कोई रोक ही नहीं सकता ना, इन्फ्लेशन के हिसाब से तो चलोगे ना कम से कम, इन्फ्लेशन क्या है, यही तो इन्फ्लेशन होती है भाई, डिफ्लेशन की तो बात ही नहीं हो रही, इन्फ्लेशन की बात हो रही है जी। अब 8-8% तक इन्फ्लेशन चली गई थी तो प्राइस बढ़ गए थे ना। हाँ, बात यह है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से तो आपको मानना ही पड़ेगा ना, विच इज फेयर। अगर 2.5-3% इन्फ्लेशन है तो 2.5-3% तो आप घर मकान घर का प्राइस बढ़ता हुआ मानोगे ना, 1 मिलियन का घर है तो साल का 25,000 तो 30,000 तो बढ़ेगा ही ना, इन्फ्लेशन को तो मानोगे। इसी प्रकार रेंट भी है पर इनकम हिसाब से नहीं बढ़ रही, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आप अपनी हिम्मत के हिसाब से छोटे से छोटा भी घर ले लोगे, एक झोपड़ी ले लोगे ना, वो भी आपका महल है, पर उसमें जो सुकून है। लेकिन जब हमारी लिस्ट लंबी बन जाती है ना, मुझे 2 कारों की गैराज चाहिए, मुझे सेंट्रल आइलैंड चाहिए किचन में, मुझे पीछे लॉन चाहिए, मुझे व्हाइट हाउस चाहिए, मुझे ताजमहल चाहिए, तब आती है मुश्किल। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला, वो ना हो जाए। बहुत सही कहा। तो महेंद्र भाई, स्टूडियोज के नंबर 416-593-0055। सबरवाल जी, कई लोगों ने नए कंस्ट्रक्शंस में अपने घर बुक कराए हैं, लेकिन जो क्लोजिंग है वो डिले हो रही है, और जब डिले होती है 1-2 या 3 साल तक, तो लोग फिक्र में पड़ जाते हैं कि उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं। अगर जो क्लोजिंग डिले हो रही है, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करें एज पर टेरियन वारंटी, जो टेरियन के उनको उनके एग्रीमेंट में पेपर लगा हुआ है, उसका फर्स्ट पेज पढ़ें, उसके में लिखा हुआ है क्लोजिंग टेंटेटिव क्लोजिंग डेट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके आगे लिखा होता है आउटसाइड क्लोजिंग डेट। अगर उसके अंदर अंदर बढ़ रही है तो उनको डरना नहीं चाहिए, नंबर एक, क्योंकि वो बिल्कुल रूल फॉलो किए जा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर वो डिले हो रही है तो इनको खुशी मना लेनी चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए, शाम को डिनर पे जाओ, मुझे भी साथ ले जाओ, क्योंकि ये डिले होने से आगे जितना डिले हो रहा है इनका तो प्राइस फिक्स हो चुका है और मार्केट बढ़ रही है, इनको बेनिफिट ही हो रहा है। तीसरी बात, आगे से इंटरेस्ट रेट कम होना है, बल्कि मैं तो कहता हूँ इस साल की क्लोजिंग आगे साल चली जाए तो अगले साल तक इनका कम से कम 2% इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा, इनके लिए अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। बिल्डर जो है अगर स्ट्रांग है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर बिल्डर वीक है लेकिन आपका टेरेंट की वारंटी है तो फिर भी बिल्डर को इंश्योर्ड, वो भी इंश्योर्ड होते हैं तो वो भी वहां बच जाते हैं, उनका भी नुकसान इतना नहीं होता। तो इसलिए दिस इज टू सेलिब्रेट,
इसके ऊपर मातम नहीं बचाना है, इसको खुश होना है। देखो सिंपल सी बात है यार जतिन भाई, नेगेटिव माइंड विल फाइंड फॉल्ट इन एवरीथिंग, एंड ए पॉजिटिव माइंड विल फाइंड अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग। एग्जैक्टली, और इसी अपॉर्चुनिटी के लिए मेरे पास कॉलर भी आ गए सर, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में, बट कॉलर को कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। अनंका जी हमें ये लेकिन सबरवाल जी ने कहा वो नोट करना चाहिए और हमारे श्रोता के साथ बार बार शेयर करना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन बात उन्होंने कही नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की। चलते श्रोता की ओर। हमारे साथ राज जुड़ चुके हैं, वेलकम टू रेडियो वॉइस। सर नमस्कार। नमस्कार राजी। एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट में सर हमने दो यूनिट लिया था और एक यूनिट हम सोच रहे हैं असाइनमेंट पे निकालने का, दिसंबर में क्लोजिंग का लेटर आया हुआ है। आपका दिसंबर में जो ऑक्यूपेंसी का आया हुआ, क्लोजिंग का नहीं आया, एक्सचेंज वन की बात कर रहे हैं शायद? जी सर जी, 35th वो दिसंबर का जो आपको आया वो ऑक्यूपेंसी का आया है, और मैं आपको बता दूं कि उसकी क्लोजिंग और आपका जो फ्लोर है वो 30 फ्लोर से ऊपर है। जी जी ठीक है ना, 30 फ्लोर से ऊपर है ना ये, क्योंकि आपने दिसंबर बताया मेरे को इसीलिए। और इसकी जो ऑक्यूपेंसी इसकी दिसंबर में है, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है अगले साल जुलाई के बाद है, तब तक 4 बार कम से कम इंटरेस्ट नीचे आ जाएगा। किसी भी हालत में असाइनमेंट की मैं आपको इस वक्त सलाह नहीं देता, कोई भी रियल्टर अगर आपको असाइनमेंट के लिए बोल रहा है बहुत ज्यादा गलत सलाह दे रहा है। आपको इस साल दिसंबर तक रुकना चाहिए, ऑक्यूपेंसी भी बेशक ले लो, और जब ऑक्यूपेंसी और क्लोजिंग के बीच का गैप है 7 महीने का, तब आपको इसकी असाइनमेंट में निकालना चाहिए, बेस्ट प्राइस मिलेगा। और अगर आप ऑक्यूपेंसी भी नहीं लेना चाहते तो एटलीस्ट वेट टिल अगस्त दिस ईयर, 90 डेज से ज्यादा होने चाहिए, 120 दिन 130 दिन जब रह जाए तब बात करिएगा अपने रियल्टर से, और वो प्रॉपर टाइम है, क्योंकि तब तक सेंटिमेंट्स बड़े स्ट्रांग हो चुके होंगे, इंटरेस्ट रेट 2-3 बार नीचे आ चुका होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरा कौन सा यूनिट किसमें आप? पहला तो एक्सचेंज वन हो गया, दूसरा? राज जी का फोन कट गया है, हमारे पास एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हाँ जी, हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस। हेलो जी सर। हाय सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। यू आर टॉकिंग अबाउट यू नो द प्राइस ऑफ द रेंटल इंक्रीजिंग एंड यू नो पीपल आर कमिंग फ्रॉम बैक होम, बट आई जस्ट नो व्हाट योर suggestion, what's your opinion of some people can afford this much of rent? Next simple logic is that, sir, just I'll give you simple level. If you can't afford rent, go for a smaller house. Agar if somebody, Jitin bhai, mujhe kai baar log bolte hain कि मैं 4 बच्चों के साथ कैसे 2 कमरे में जा सकता हूँ, आई एग्री, पर उनको ये क्यों नहीं बताते कि 4 बच्चे की गवर्नमेंट को पैसे तो दे रही है ना, फिर क्यों नहीं जा सकते? भाई 4 बच्चे हैं मेरे और मैं 2 कमरे में कैसे जाऊँ? जब 4 बच्चे के गवर्नमेंट पैसे दे रही है आपको $2,500 तक, तो फिर आप 3 कमरे में क्यों नहीं चले जाते? सिंपल बात। Sorry, sir, to cut you off, but if someone doesn't want to move from the apartment or houses, and then you have to go LCB, and it takes them 2 years to backlog, and then they cannot afford it, how can they afford this? You're very right. You're very right. So the thing is, if you're an investor and you have rented it out to a tenant, be prepared for all these things. Be prepared. It is not a, I would say, sweet cake that, okay, just nothing will happen. There is pros and cons for everything, for every business. Agar aapne rent pe diya hai aur aapko rent aana band ho gaya hai, you should be ready for that. Apply to LTB. 2 years? No, I don't agree. It depends on the how sensitive is the matter. They are even giving you dates for 3 months, but it all depends ki bhi kitna serious matter hai. So, 2 saal ki kahani khatam ho chuki hai. 1 saal se upar nahi ja rahi. Pehli baat to I disagree respectfully with you. Aur dusri baat ki agar tenant rent nahi de raha, तो उसके क्या हालात हुए थे, आई डोंट नो। क्या आपने जब टेनेंट रखा था तो क्या आपने पूरा उसका चेक किया था? जब हम रेंट में देते हैं ना और हमारा घर 15 दिन के लिए नहीं चढ़ता, तो हमको सारे टेनेंट अच्छे लगने लग जाते हैं, हम कुछ भी चेक नहीं करते, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा रेंट भी नहीं चढ़ रहा, तो उसकी वजह से जो हमें टेनेंट अच्छा नहीं लग रहा वो भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है, चढ़ा दो। दैट इज द वीकनेस वेयर यू स्टार्ट डिगिंग योर ओन, आई वुड से डैश। सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस। डिस्कस विद द प्रोफेशनल, गो थ्रू विद द प्रोफेशनल। आप कार लेने के लिए भी जाते हैं, तो जो पीछे मैनेजर बैठा होता है वो आपके सामने नहीं आता, जो सेल्स पर्सन है आपसे लिखवा के अंदर जाता है, क्योंकि जैसे ही वो आपके सामने फेस टू फेस आएगा वो वीक साबित होना शुरू हो जाएगा। तो डायरेक्ट डील करना भी मेरे हिसाब से गलत है, और इन इनमेच्योरिटी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर सिर्फ प्रॉफिट ही होगा तो सारी दुनिया ना बिजनेस करना शुरू कर देगी। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच
कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनको शायद अच्छा भी लगा, आपके जो पॉइंट्स है वो हमें तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। अब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है सर, जब आप बात करते हैं कि अगर हिम्मत नहीं भी बन रही हो तो हिम्मत बन जरूर जाती है। सीरियसली मैं कहता हूँ बेटा, रामिका जरूर बनती है, मतलब कि एक बार शुरुआत तो करें, देखो ना एक बार शुरू तो करें। वो जो पुरानी कहावत बड़ी मशहूर है कि भगवान से शिकायत कर रहा था बार बार कि मेरी तो लॉटरी कम से कम निकाल दे, मेरी लॉटरी, तो दुखी हो गए कि भगवान साक्षात उसके सामने आ गए, कहते गधे लॉटरी तो तब निकालूंगा जब तू टिकट खरीदेगा, तो तेरी लॉटरी कहां से मैं निकाल दूं, पहले टिकट तो खरीद। बहुत सही। तो इसी के साथ आपके क्या एंडिंग रिमार्क्स होंगे आज की जो हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन रही विद लिसनर्स एज वेल? जी मैं मतलब ये कहता हूँ, सिंपल सी बात है, अपने आप को अगर मैं डिसिप्लिन कर लूं और अपने आप को मैं प्लान कर लूं, आई विल बी अहेड ऑफ द क्राउड, चाहे मेरी इनकम जितनी मर्जी कम क्यों ना हो। मेरे को अपनी हैसियत से अगर मैं चलूंगा तो ये जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है सबके लिए हो रहा है, इंटरेस्ट सबके लिए हो रहा है, इकोनॉमी सबके लिए हो रही है, परेशानी सबके लिए हो रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब आप कहेंगे जी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो पैसे वाले सारे बच गए, नो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, पैसे वाले नहीं बचे, हर इंसान बचेगा जो डिसिप्लिन है। एक इंसान की जिसकी इनकम $4,000 है और वो अपने डिसिप्लिन में चल रहा है और कर्जा नहीं दिया हुआ, ही इज द फिटेस्ट। एक इंसान जिसकी 1 million इनकम है और उसने 5 million ब्याज पे ले रखे हैं अपने बिजनेस के लिए, ही इज द वीकेस्ट। सवाल इनकम के ऊपर से नहीं है, सवाल आप कितने डिसिप्लिन है उस पर डिपेंड करता है। मैं मेरे पास इतनी स्टोरीज हैं कि मैं, मुझे लगता है कि पूरी बुक लिख दूंगा मैं, कि छोटी से छोटी इनकम वाले बहुत जबरदस्त खुश रह के जी रहे हैं और बड़ी से बड़ी इनकम वाले रोज सुसाइड कर रहे हैं। तो बहुत सही, ये बातें जो है ना सारी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और आपको अपने आप को जब आप डिसिप्लिन कर लोगे, ये सारी जो चीजें हो रही हैं दुनिया के लिए हो रही हैं, इंडिविजुअली आपके लिए तो नहीं हो रही। मैंने अपने आप अपने सिर को अंदर कर लेना है, मैंने जमीन में बैठना है ताकि मैं गिरी ना सकूं। वाह क्या बात है, सिंपल सी बात है, वंडरफुल, बहुत खूब। तो बेंद्र भाई हो, ये थे पीके सबरवाल जी। अनामिका मुझे लगता है कि पीके सबरवाल यानी कि PKS, P फॉर पॉजिटिविटी, K फॉर नॉलेज और S फॉर सक्सेस, ये है PKS, दैट इज पीके सबरवाल जी। पॉजिटिवली नॉलेज को इंप्लीमेंट करें तो सक्सेस हमें जरूर मिलती है, दैट इज पीके सबरवाल। सबरवाल जी सैल्यूट आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। और बेंद्र भाई फिर से याद दिला दे, जो बस ट्रिप है वो पिकनिक नहीं है, इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से आपको अवेल कराएगी ये ट्रिप। सबरवाल जी तहे दिल से आपका शुक्रिया, और आपका नंबर भी बताना चाहिए। एक बात ज्यादा जरूर कहूंगा इससे रिलेटेड है। हाँ जी हाँ जी। सबसे ज्यादा इंसान को दुखी क्या करता है, सबसे ज्यादा इंसान को दुखी पता क्या करता है, उसकी खुद की ख्वाहिशें, वाह, ओन एक्सपेक्टेशंस सबसे ज्यादा इंसान को ये हर्ट करती है। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस आसमान को नहीं छू रही होती, यू आर सेटिस्फाइड। सिंपल ही बात है, आपको शायद याद होगा, एक मिनट में असर आधा मिनट और लूंगा। हाँ जी हाँ जी। वो कहानी आपको तो जरूर पता होगी, शायद आप ही ने बोली होगी, मुझे ये भी नहीं याद, बात करते करते आया था। जब वो पोरस यहाँ से जीतता हुआ जा रहा था तो किसी ने कहा कि रास्ते में हरिद्वार के पास एक साधु है, उनको मिलते हुए चलते हैं। तो वो भी घोड़े में चलता गया तो उसने उसको मिला, तो वो साधु बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, तो सामने वो आके हाथी में उसके सामने आया और उसको बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ। तो कहता तू क्या कर रहा है, कहता मैंने ये फलानी चीज देश जीता है, अब मैंने ये जीता है, इसके बाद मैंने ये जीता है, इसके बाद क्या करेगा, कहता इसके बाद मैं इंजॉय करूंगा। कहता तू आगे से हट जाना, मैं अभी से एंजॉय कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद एंजॉय कर रहा है, मैं अभी से एंजॉय कर रहा हूँ बैठ के पेड़ के नीचे, और जो मैं इसको एंजॉयमेंट कुदरत दे रही है तूने रोक लिया, अच्छी वाली धूप आ रही थी तेरे हाथी ने, धूप ही रोक ली मेरी, आगे से हटा। बहुत सही, राइट आंसर, खुद की एक्सपेक्टेशन आपको मार देती है। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। 6472994757 सबरवाल जी का नंबर, 6472994757। सबरवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, रियल एस्टेट और रियल लाइफ की बातें आप बहुत खूबसूरती से करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सर।